दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक एयर कंडीशनर के जो डस्ट फिल्टर हैं वो किस तरह से साफ करें। अब ये जो एसी है, जनरली इनके जो डस्ट फिल्टर हैं ये इस पैनल के पीछे होते हैं, और पैनल को ओपन करने के लिए आपको दोनों साइड में जो है लॉक मिल जाएंगे, प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं। अब ये जो लॉक है इनको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ढीला कर लिया है कि क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ना और दूसरे हाथ से लॉक ओपन करना संभव नहीं हो पाता है। तो लॉक जो है मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया है, एक लॉक इस तरफ रहेगा और ये जो कंप्लीट फ्लैप है इसको आप इस तरह से ऊपर करके टिका सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे टिक जाएगा ऊपर, और ओ हो, जरा देखिए इन डस्ट फिल्टर्स की हालत। दोस्तों ये जो डस्ट फिल्टर हैं ये इतने ज़्यादा चोक हो चुके हैं कि इसमें से हवा गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि होगा क्या, एक तो आपकी कूलिंग जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि एवेपोरेटर कॉइल के ऊपर जो हवा गुजरनी चाहिए उसका फ्लो कम हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जो कंप्रेसर है उस बेचारे को क्या पता कि यहाँ पे जो ये हालत है इतनी खराब है। वो उसका जो काम है, उसकी जो मेहनत है वो लगातार करते रहेगा, उसका काम है कमरे को ठंडा करना, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंप्रेसर है इसकी लाइफ कम हो जाएगी और साथ में आपके बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो आइए फटाफट से हम ये जो फिल्टर्स हैं इनको निकालते हैं ताकि हमारे बिजली का बिल भी कम आए और साथ में कूलिंग हमारी इम्प्रूव हो जाए। तो ये जो डस्ट फिल्टर है दोस्तों, इनको निकालने के लिए यहाँ पे आपको टैब मिलेंगे। देखिए ये छोटे छोटे टैब हैं, तो आपको यहाँ से जो फिल्टर है इसको उठाना है और इस तरह से ये जो फिल्टर है ये बाहर आ जाता है, इसको आप खींच सकते हैं। तो ये जो फिल्टर है हमारे ये हाथ में आ जाएंगे। तो मैं एक फिल्टर आपको निकाल के बताता हूँ, ये देखिए। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ दीज फिल्टर्स, दे आर ऑलमोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट। तो दूसरा फिल्टर भी मैं निकाल लेता हूं और फिर देखते हैं कि इनको क्लीन किस तरह से करना है। दोस्तों जो फिल्टर है उसको हम लेके आ गए शॉवर में, और एक बार ज़रा हालत देखिए इनकी, मैं क्लोजअप जो है वो दिखाना चाहता हूँ आपको। ये कम्प्लीटली जो है चोक हो चुका है, और बिल्कुल 2 मिनट में हम जो है इसको साफ करेंगे अगर सही तरीका हम अपनाएं। और सही तरीका ये है कि ये जो एरिया है दोस्तों ये पूरा डस्टी हो चुका है, तो इस फिल्टर को जो है हमें उल्टा करना है। एक्चुअली हमें इस तरह से इसको करना है और उल्टे साइड से इसके ऊपर जो पानी का स्प्रे है वो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया शॉवर और इसको करते हैं वॉश। दोस्तों एक फिल्टर जो है वो हमने साफ कर लिया है, एंड लुक एट द स्टार्क डिफरेंस। तो अब ये जो है हमेशा टेस्ट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज द फिंगर टेस्ट। तो एक अच्छा जो फिल्टर होता है जो क्लीन होता है वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ पे देखिए फिंगर्स गायब। तो ये जो है कम्प्लीटली ओपेक हो चुका है, चोक हो चुका है, और इस चीज़ को अर्जेंट क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो आइए इसको भी क्लीन करते हैं, बिल्कुल इसके जैसा बनाते हैं और फिर एसी के अंदर लगाते हैं। सो दिस इज अ क्लीन फिल्टर, दैट्स हाउ इट लुक्स, एंड दिस इज अ डर्टी फिल्टर। फिल्टर्स धुल के आ गए हैं हमारे पास, और अभी जो है इनको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के लिए लाइक वाला बटन दबाना है। अब लाइक दबाने से फिल्टर अपने आप तो इंस्टॉल नहीं हो जाएंगे, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इंस्टॉल हमको मैन्युअली ही करना पड़ेगा, काफ़ी सिंपल है। ये जो फिल्टर है ये मैंने इस रेल के अंदर जो है फंसा दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये फिल्टर लगते हैं इस रेल में, दोनों साइड रेल होती है, इसको आप अंदर प्रेस कीजिए, ये अपनी जगह पर चला जाएगा अंदर। और उसके बाद में ये जो लॉक है इसको उठाइए, अपनी जगह पे डाल दीजिए। ये लग गया एक फिल्टर, अभी लगाते हैं दूसरा। प्रोसेस इज द सेम, रेल में इसको पीछे ढकेलिए, ओके। उसके बाद में उठा के इसको यहाँ पे लगा दीजिए। इतना आसान है कि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ सकता हूँ और एक हाथ से फिल्टर लगा सकता हूँ, है ना। तो ये जो है हमारी हो गई एसी की फ्री में सिंपल सी सर्विस, जो कि आप घर पर कर सकते हैं, और महंगे सर्विसमैन का जो चार्ज है, जो खर्च है, वो बचा सकते हैं। इसको फाइनल करने के लिए ये जो शटर है, जो फ्लैप है, इसको बंद करना है। तो बंद किस तरह से करना है देखिए,
इसको नीचे किया, आ गया यहाँ पे। अब ये जो लॉक है थोड़ा सा इसको प्रेस प्रेस और हो गया एसी तैयार। गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।